एनटीपीसी बरौनी में निर्मित 250 मेगावाट क्षमता के दो यूनिट का लोकार्पण करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में पहला थर्मल 1960 के दशक में शुरू किया गया था। दूसरा प्लांट मुजफ्फरपुर के कांटी में मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री काल में बना, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे विभिन्न कारणों से दोनों की स्थिति खराब हो गई। 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो दोनों थर्मल को दुरुस्त करने का प्रयास शुरू किया गया और एनटीपीसी के सहयोग से बिहार बिजली के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। 2015 में 7 निश्चय योजना से हर घर बिजली पहुंचाना कार्य शुरू किया गया। इसका लक्ष्य दिसंबर 2018 था, लेकिन काम की गति को देखते हुए केंद्र सरकार ने भी मदद किया तथा लक्ष्य से 2 महीना पहले अक्टूबर 2018 में ही हमने राज्य के हर घर में बिजली पहुंचा दिया। 24 नवंबर 2005 को जब हमारी सरकार बनी तो उसमें बिहार की बिजली खपत क्षमता 700 मेगावाट थी। इसमें से कुछ नेपाल को भी दिया जाता था, लेकिन आज खपत बढ़कर 6000 मेगावाट हो गई है। एनटीपीसी के बरौनी इकाई का निर्माण हो चुका है, अब और एक्सपेंशन किया जाएगा, इससे इलाके का विकास होगा। बिहार सरकार ने बिजली का दर भी कम कर रखा है। बिजली खरीदने में जितना खर्च होता है उसका 50% से अधिक अनुदान दिया जा रहा है। सभी लोगों को बिजली का जरूरत के अनुसार ही उपयोग करना चाहिए, समय पर बिल का भुगतान करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि चीन से फैले कोरोना के कारण सभी गतिविधियां शिथिल हो गई थी, लेकिन अब तमाम गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे देश और देश में टीकाकरण हो रहा है, सभी लोग टीका ले। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने कहा कि बरौनी का निर्माण और जीर्णोद्धार 2011 से चल रहा था, लेकिन एनटीपीसी को सौंपे जाने के बाद इसमें और तेजी आई है। ऊर्जा के क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार लगातार प्रगति कर रही है। पहले देश स्वावलंबी नहीं था, लेकिन स्थिति काफी बदल चुकी है और सभी क्षेत्र के साथ बिजली के मामले में भी देश न केवल आत्मनिर्भर हो चुका है, बल्कि बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार को निर्यात भी किए जा रहे हैं। श्रीलंका को ग्रिड से जोड़ा जा रहा है, जल्द ही श्रीलंका को भी बिजली दिए जाएंगे। नरेंद्र मोदी की सरकार बनाने के बाद 1,51,000 किलोमीटर ग्रिड बिछाकर देश को कोने कोने से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती दिनों में 1000 दिन में देश के सभी गांव और टोला में बिजली पहुंचाने का लक्ष्य किया था, लेकिन 987 दिन में ही सब जगह बिजली पहुंच गया। मात्र 18 माह में 2,83,00,000 घरों का सौभाग्य से विद्युतीकरण किया गया। बिहार ने देश में सबसे पहले हर घर बिजली पहुंचाना शुरू किया था। अब पर्यावरण बचाते हुए ऊर्जा का विकास किया जा रहा है। पूरी दुनिया पर्यावरण हितैषी ऊर्जा बना रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2030 तक 500,000 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का लक्ष्य रखा है। अभी 1,50,000 मेगावाट बन रहा है। देश को 2030 तक 8,20,000 मेगावाट बिजली की जरूरत होगी और इसके लिए लगातार देश भर में प्रयास किए जा रहे हैं। बरौनी एवं बाढ़ एनटीपीसी का और विस्तार होगा। एनटीपीसी दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है और उसी आधार पर दुनिया में अपने काम और नाम कमा रही है। बीएमपी न्यूज के लिए संवाददाता अवधेश कुमार की रिपोर्ट। जो बेगूसराय की पावर ग्रिड, इसमें जिन्होंने ये सारा काम किया, अपने राज्य के पहले मुख्यमंत्री आदरणीय श्री कृष्ण बाबू ने ये सारा काम किया और बेगूसराय के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल में ही प्रारंभ से ही इसकी शुरुआत की। आगे भी करेंगे और भी एक्सपेंशन करेंगे, तो इससे ज्यादा खुशी की बात कुछ नहीं है। तो आज हमको खुशी है कि भाई यहाँ पर आने का और कितनी बार यहाँ आ करके पूरे कैंपस में घूमने का, देखने का, आने जाने या यहाँ तक कि मुंगेर की जो और भी समस्याएं रहती थी उसको लेकर के भी तो हम बार बार जब पार्लियामेंट के मेंबर थे तब भी उठाते रहते, तो ये सब काम तो करते रहते थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने अलावे बाकी सब काम की जो शुरुआत कर दी है और 19 में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया, बाकी सब काम भी पूरा, तो फूल मिला करके खूब अच्छे ढंग से काम होगा और पूरे तरह से इलाके का विकास होगा और सबको फायदा मिलेगा। तो आज बिजली के मामले में हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं,
खुशी की बात है और आप सब लोगों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं और अभी कह रहे थे कि सब लोग कीजिएगा जरूर बिल, और आप जानते हैं कि हमने बिल कितना कम रखा है, आप ये अच्छी तरह जान लीजिए। गरीब आदमी से लेकर के अलग अलग रेट निर्धारित करते हैं, जितना का बिजली खरीदते हैं आप समझ लीजिए कि जितना पैसा राज्य सरकार को बिजली खरीदने में लगता है उसमें से 50% से ज्यादा हम लोग अनुदान ही देते हैं, तो इसलिए छूट मिला करके लोगों को कम दर पर बिजली मिले। और अब तो हम लोगों ने करवाना शुरू किया कि बिजली का दर देख लीजिए जो बिल मिलता है ये दर, और इसमें राज्य सरकार ने इतना इसमें दे दिया अपनी तरफ से ग्रांट दे दिया है, अब आपको इतना ही पैसा देना। बड़ौली के विकास में हम लोग के द्वारा, हम लोग कंपनी के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके लिए मुझे हार्दिक ग्रांट दे दिया है, अब आपको इतना ही पैसा देना। बड़ौली के विकास में हम लोग के द्वारा, हम लोग कंपनी के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है उसके लिए मुझे हार्दिक खुशी है, इसलिए खुशी है जैसे हमने कहा हम लोग भी नहीं गए, लेकिन इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी, बड़ौली का निर्माण जीरोद्वार 2011 से चल रहा और ऐसे ही समय समय तो मुख्यमंत्री महोदय ने सोचा कि ये सही नहीं, इसको और तेजी से निर्मित करवाना, उन्होंने कहा कि इसे एनटीपीसी ले और एनटीपीसी बनाए। पहले तो हम लोग बहुत इसके पक्ष में नहीं थे क्योंकि एनटीपीसी बड़े बड़े कंपनियां बड़ी बड़ी प्लांट बनाती है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने तय किया कि इसको ले, और मैं एनटीपीसी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 2018 में इन्हें यह सपोर्ट किया गया निर्माण करने के लिए और आज इसका लोकार्पण हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर्तव्य द्वारा। हम लोग के यहाँ, हम लोग के राज्य को विकास की बहुत आवश्यकता है और उसमें ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार जो भी योगदान, हम लोगों ने कुल यहाँ पर हमारे एनटीपीसी ने कुल यहाँ पर करीब 10,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता लगाई है और लगाने क्रम है, करीब 7,800 मेगावाट की उत्पादन क्षमता लग गई है, 1,900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता निर्माणाधीन, कुल मिलाकर के अभी हम अपने उत्पादन में से 5,600 मेगावाट बिहार को देते हैं, आईसीएल में 1,900 मेगावाट और देंगे बिहार, यानी कि बिहार की जितनी भी बिजली की आवश्यकता है वो हम लोग पूर्ति करेंगे। ऊर्जा के क्षेत्र में हम लोग के देश ने काफी प्रगति की, म्यांमार को भी निर्यात करते हैं, कुछ देर में हम श्रीलंका को भी ग्रिड से जोड़ रहे हैं, वहां भी निर्यात करते हैं, जितनी बिजली की आवश्यकता है वो हम उतनी बिजली बना लेते हैं।